नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे हेलो के बारे में। सूचना क्रांति के इस युग में कमोबेश सभी लोगों ने फ़ोन पर बात तो ज़रूर किया होगा। जब हम पहली बार किसी व्यक्ति से फ़ोन पर बात करते हैं तो हेलो बोलते हैं। क्या आपको पता है सबसे पहले किस व्यक्ति ने हेलो बोला था और किस लिए हेलो बोला था? हम सभी लोग जब किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो हाथ मिलाते समय उससे हेलो बोलते हैं। तो ऐसे में हमने देखा कि दो ऐसी स्थितियां हैं जिसमें लोग एक दूसरे को हेलो बोलते हैं, साथ ही उसका अभिवादन भी करते हैं। तो चलिए आज हम आपको आगे पूरा विस्तार से बताएंगे कि हम फ़ोन पर हेलो क्यों बोलते हैं और एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो उनसे हेलो क्यों कहते हैं। आज पूरा विश्व सूचना क्रांति का लाभ उठा रहा है। इससे लोगों तक सूचना को पहुंचाने के तरीकों में भी बदलाव किया गया है। ज़रा सोचिए, जब आज की तरह सूचना का संचार नहीं था उस समय किस तरह से लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे। ज़रा सोचिए, जब पहली बार हम लोगों ने जाना कि हम देश के किसी दूसरे हिस्से में बैठे हुए व्यक्ति को कितनी आसानी से बातचीत कर सकते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले टेलीफोन के आविष्कार के साथ हुई और इसके जन्मदाता हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने ही सबसे पहली बार दूर बैठे लोगों को बातचीत करने का तरीका सिखाया, या फिर हम कह सकते हैं कि वो तरीका अपनाया और बताया। बता दें कि ग्राहम बेल ने ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, मेटल डिटेक्टर, फोटोफोन बेल जैसे आविष्कार इनके नाम दर्ज हैं। इन्होंने वो कर दिखाया जो कि उस समय के लोगों ने नहीं किया था। आपको बता दें कि 2 जून 1875 को ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इस पूरे कार्य में उनके साथ थे टॉमस वाटसन, जिन्होंने उसकी इस काम में मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 7 मार्च 1876 को टेलीफोन का पेटेंट अपने नाम करवा लिया, जिसके बाद ग्राहम बेल को दुनिया में टेलीफोन के आविष्कार के नाम से, यानी कि टेलीफोन के जन्मदाता के नाम से जाना जाने लगा। और यहीं से हेलो बोलने का भी चलन शुरू हुआ, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। टेलीफोन या फिर अब के ज़माने में स्मार्टफोन पर जब हम किसी से फ़ोन को रिसीव करते हैं तो सबसे पहले हेलो बोलते हैं, लेकिन इस हेलो बोलने के पीछे भी कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। जैसे कि हेलो सबसे पहले ग्राहम बेल ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था, यानी कि बोला था। या फिर यह भी कहा जाता है कि किसी को नमस्कार करने के लिए भी हम इस हेलो का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर हम देखें तो स्पेनिश में होला का मतलब नमस्कार होता है। तो इस तरह से कई तर्क दिए जाते हैं, लेकिन एक तर्क जो बहुत ही मजबूती के साथ लोग देते हैं वो यह है कि हेलो नाम की गर्लफ्रेंड से सबसे पहले ग्राहम बेल ने बात किया था, जिसके बाद से लोग हेलो हेलो बोलने लगे। TV9 ने हिंदी में छपी एक खबर की माने तो उसने यह बताया कि ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मार्गेट हेलो था और वे बातचीत के दौरान हेलो हेलो बोलते होंगे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसके कोई भी अभी तक स्पष्ट जानकारी जो है वो पुख्ता सबूत जो है नहीं है। हालांकि ग्राहम बेल की शादी साल 1877 में हुई थी और उनकी पत्नी का नाम मॉवेल गार्डियन हवर्ड था। अगर हम आधिकारिक दस्तावेजों को देखें तो हम यह पाते हैं कि ग्राहम बेल ने हेलो शब्द का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं था। बताया तो यह भी जाता है कि सबसे पहले ग्राहम बेल ने फ़ोन पर जिससे बातचीत की थी वे उनके असिस्टेंट थे, जिन्होंने उन्हें फ़ोन पर बात करते हुए कहा था कि कम हेयर, आई वांट टू सी यू। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, या फिर हम यह कह सकते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे में अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ग्राहम बेल ने सबसे पहले जिस व्यक्ति से बात किया था उन्होंने हेलो नहीं बोला था। जब टेलीफोन का चलन बढ़ा गया तो ग्राहम बेल लोगों से बात करने के दौरान आहो का इस्तेमाल करते थे। वे लोगों से आवाज़ स्पष्ट मिल रहा है कि नहीं जानने के लिए कहते थे आर यू देयर, ताकि यह पता चल सके कि अगले तक आवाज़ हमारी सही सही पहुंच रही है या नहीं। ऐसे में अभी भी एक बात स्पष्ट नहीं हुई कि आखिर में यह हेलो शब्द आया कहां से था। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो एक गलतफहमी की वजह से आज लोग हेलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। TV9 हिंदी में छपी एक खबर को माने तो एक बार थॉमस एडिसन ने अहो शब्द का गलती से हेलो बोल दिया था। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि एडिसन ने एक बार प्रस्ताव भी रखा था कि आर यू देयर एक लंबा वाक्य है, इसे बोलने से अच्छा है कि हम लोग हेलो शब्द का इस्तेमाल करें। इसके बाद पिट्सबर्ग की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंटिंग टेलीग्राफिक कंपनी के अध्यक्ष TBS स्मिथ ने एक लेटर में लिखा कि टेलीफोन पर स्वागत शब्द के रूप में बोले जाने वाले शब्द का इस्तेमाल हेलो के रूप में किया जाए। इसके बाद कंपनी ने इस प्रस्ताव को मान लिया और बाद में यह आधिकारिक रूप से चलन में आ गया। इसके बाद जब उन्होंने पहली बार फोन
किया तो उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो था हेलो, और इसके बाद यह चलन में आ गया। जिन दिनों इन सब में बदलाव हो रहा था उस समय टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाली ऑपरेटरों को हेलो गर्ल के नाम से जाना जाता था। हेलो शब्द को लेकर डिक्शनरी में कई तरह की बातें कही गई हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि हेलो का मतलब होता है स्वागत। कई अलग अलग डिक्शनरी में हेलो का शब्द का जिक्र किया गया है अभिवादन के रूप में, किसी भी व्यक्ति के सम्मान के रूप में। इसलिए जब हम कॉल को रिसीव करते हैं तो हम लोग हेलो बोलते हैं, यानी कि इसका अभिवादन करते हैं, उस व्यक्ति का अभिवादन करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया हेलो को लेकर हमने जाना, एक मीथ के रूप में यह कहा जाता है कि इसके जो आविष्कारक थे ग्राहम बेल, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे पहले फ़ोन किया था और उनका नाम था हेलो, इसलिए हम लोग आज हेलो हेलो कहते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से निराधार साबित हुआ है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।